हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल ट्रैवल यात्रा में। अगर आप साउथ इंडिया के टूर का प्लान कर रहे हैं और आपके लिस्ट ऑफ डेस्टिनेशंस में एक डेस्टिनेशन है महाबलीपुरम, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि अगर आप महाबलीपुरम विजिट करना चाहते हैं तो आप चेन्नई से महाबलीपुरम पब्लिक ट्रांसपोर्ट से बिल्कुल आसान तरीके से एकदम जल्दी और सबसे बजट में कैसे पहुंचे, बिना कोई लैंग्वेज प्रॉब्लम के और बिना कोई और परेशानी के एकदम पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको बताऊंगा कि आप चेन्नई से महाबलीपुरम पब्लिक ट्रांसपोर्ट से 90 रुपए में, सिर्फ 90 रुपए में कैसे पहुंचे। तो चलिए बिना कोई देरी किए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। महाबलीपुरम ये तमिलनाडु के चेंगलपेट डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आने वाला एक शहर है। महाबलीपुरम को मामलापुरम के नाम से भी जाना जाता है। महाबलीपुरम का प्राचीन नाम है तिरुकडल मलय। महाबलीपुरम इस शहर का ये नाम पड़ा था पल्लवा साम्राज्य के राजा नरसिम्हावर्म के नाम पर, जिन्हें महाबली के नाम से भी जाना जाता था। महाबलीपुरम बे ऑफ बंगाल के तट पर बसा एक छोटा सा शहर है जिसकी आबादी 2011 के सेंसस के हिसाब से लगभग 15 से 16 हजार की है। ये बेसिकली एक टूरिस्ट स्पॉट है। यहाँ पे लोग यहाँ की जो प्राचीन मंदिर है और यहाँ पे जो हस्तकलाएं हैं इनको देखने के लिए मेनली आते हैं। तो अगर आप महाबलीपुरम का विजिट करना चाहते हैं तो जनरली महाबलीपुरम में एक दिन का विजिट काफी है। यहाँ आप सारी चीजें एक दिन में देख सकते हैं। तो चाहे तो आप चेन्नई से वन डे ट्रिप का भी प्लान कर सकते हैं या फिर वहाँ पे काफी अच्छी बीचेस, बीच रिसॉर्ट्स है, अगर आप चाहे तो 2 दिन का भी प्लान कर सकते हैं, जिसमें एक दिन आप बीच रिसॉर्ट्स में अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। जाने में आपको लगभग दोपहर तक हो जाएगा, तो दोपहर के बाद आप इवनिंग तक बीच रिसॉर्ट में टाइम स्पेंड कीजिए, बीच का मजा लीजिए। ECR के जो बे ऑफ बंगाल है और जो ECR का जो बीच है वो काफी अच्छा बीच है, वहाँ एक दिन आप स्पेंड कीजिए। और अगला दिन अगर आप चाहे तो महाबलीपुरम के जो टूरिस्ट स्पॉट्स है इनको आप देख सकते हैं, उसके बाद आप रिटर्न आ सकते हैं चेन्नई फिर से। महाबलीपुरम की दूरी चेन्नई से लगभग 60 किलोमीटर की है, जिसे तय करने में 1 से 1.5 घंटे लगते हैं। तो अब हम देख लेते हैं, अगर आप चेन्नई से महाबलीपुरम जाना चाहते हैं तो आपको सबसे आसान तरीका कौन सा है। महाबलीपुरम पहुंचने के लिए बाय फ्लाइट सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट है चेन्नई एयरपोर्ट, और अगर आप ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं तो आपका नियरेस्ट स्टेशन होता है चेंगलपेट, जो 30 किलोमीटर की दूरी पे है। पर आपके लिए सबसे कन्वीनियंट रहेगा चेन्नई रेलवे स्टेशन, जो महाबलीपुरम से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पे है। चेन्नई रेलवे स्टेशन क्यों आपके लिए कन्वीनियंट रहेगा ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि जो चेंगलपेट स्टेशन है ये भले ही 30 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन जो लॉन्ग रूट की जो ट्रेन है, जो नॉर्थ इंडिया से ज्यादातर ट्रेनें आती है, आइदर वो चेन्नई में हॉल्ट करती है या चेन्नई से डाइवर्ट होकर अगर बैंगलोर या केरला की गाड़ी है तो दूसरे रूट से चली जाती है, और अगर आपका ट्रेन कन्याकुमारी साइड का है या कहीं का है तो ये चेंगलपेट से गुजरती तो है, लेकिन बहुत सारी ट्रेन ऐसे हैं जो यहाँ पे रुकती नहीं है। और अगर आप चेंगलपेट उतर भी जाते हैं, कैसे भी आप चेंगलपेट स्टेशन पहुंच भी जाते हैं, तो एक इंटीरियर एरिया होने के कारण यहाँ आपको थोड़ी सी लैंग्वेज प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप लोकल तमिल लैंग्वेज नहीं जानते हैं तो। और दूसरा चीज़ है, यहाँ से भले ही ये 30 किलोमीटर का जर्नी है, लेकिन यहाँ से जो ट्रांसपोर्ट है, ये ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन जो है इतना स्मूथ नहीं है जितना चेन्नई से है। तो इसलिए बेटर है कि आप अगर बाय ट्रेन ट्रैवल करते हैं तो यू सेलेक्ट रेलवे स्टेशन एज चेन्नई। तो चेन्नई पहुंचने के बाद आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं महाबलीपुरम जाने के। पहला ऑप्शन है आप कार हायर कर सकते हैं, आप प्रीपेड बुकिंग होती है रेलवे स्टेशन से, एयरपोर्ट से, वहां से भी आप कार हायर कर सकते हैं, या फिर आप ओला या उबर का सर्विस भी ले सकते हैं। ओला या उबर भी चलती है चेन्नई टू महाबलीपुरम के लिए। तो इस तरह के कार हायर करके अगर आप जाना चाहते हैं तो इसमें आपको टोटल कॉस्ट लगेगा 1500 to 2000 रुपीज, और इसमें आपका ट्रैवल टाइम लगेगा लगभग 1 आवर का, 1 घंटे लगेंगे आपको टोटल जाने के लिए यहाँ से। ये पहला ऑप्शन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि ये काफ़ी कॉस्टली हो जाएगा और बजट में ट्रैवल करने लायक नहीं है, और इससे काफ़ी बजटेड ऑप्शन अवेलेबल है चेन्नई टू महाबलीपुरम जाने के लिए। सो दूसरा ऑप्शन जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो है TNSTC, तमिलनाडु स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की गवर्नमेंट की नॉन एसी एंड एसी बसेस, जो चेन्नई से महाबलीपुरम के लिए चलती हैं। तो इसमें आप ट्रैवल कीजिए, जिसमें आपको टोटल टाइम लगेगा 1.5 घंटे का और आपको कॉस्ट आएगा लगभग 50 रुपये। दैट्स इट, आपको 50 रुपये में 1.5 घंटे में बिल्कुल आसानी से एसी बस, नॉन एसी या एसी,
बस आपको चेन्नई से महाबलीपुरम तक पहुंचा देगी। तो ये ऑप्शन आप लीजिए जो काफी कन्वीनियंट रहेगा और काफी बजट में रहेगा। ये TNSTC की जो बसेस होती है ये काफी कंफर्टेबल होती है, एकदम पॉइंट टू पॉइंट चलती हैं, ये बहुत ज्यादा रुकती नहीं है और इनके टाइम बहुत एक्यूरेट होते हैं और इसमें आपको ऑनलाइन बुकिंग की भी कोई जरूरत नहीं होती है, तो आप बिल्कुल आसानी से इसमें ट्रैवल कर सकते हैं, तो आपको इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। तो आइए देख लेते हैं ये TNSTC की बसेस आपको कहां से और कैसे मिलेंगी और आप कहां से इसको बोर्ड कर सकते हैं। चेन्नई से महाबलीपुरम जाने के लिए आपको लेना पड़ेगा बस नंबर 188। ये 188 नंबर की बस चेन्नई से पौंडीचेरी तक चलती है और ये बीच में महाबलीपुरम में आपको ड्रॉप करते हुए आगे निकल जाएंगी। तो ये 188 नंबर बस ही आपको लेना है जो हर 15 से 20 मिनट के अंदर एक बस चलती है। सुबह 4:30-5 बजे से लेके रात के 9:10 बजे तक ये गाड़ी चलती है और हर 15 मिनट में आपको एक बस मिल जाएगी, बस नंबर 188। याद रखिएगा, आपको उसके बस में जो डिस्प्ले है कभी कभी तमिल में लिखे रहते हैं, कभी इंग्लिश डिस्प्ले रहता है, कभी तमिल में डिस्प्ले रहता है। ये अगर आपको समझ में ना आए, आप नंबर याद रखिएगा, बस नंबर 188 अगर आपको दिख जाए तो दैट इज गोइंग टू पौंडीचेरी एंड दैट विल टेक यू टू महाबलीपुरम। इस 188 नंबर के बस की अगर मैं रूट मैप की बात करूं तो ये बस स्टार्ट होती है कोयम्बेड से, CMBT जिसको बोलते हैं। CMBT यहाँ का मेन इंटरस्टेट बस टर्मिनस है चेन्नई का, तो यहाँ से ये बस स्टार्ट होती है। उसके बाद ये पहला स्टॉप करती है गिंडी में, गिंडी इसका पहला स्टॉप होता है सिटी लिमिट के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉप होता है त्रिवानमियूर में ये दूसरा स्टॉप करती है। त्रिवानमियूर से जब ये निकलती है उसके बाद ये सिटी लिमिट्स में नहीं रहती है, इसके बाद ये सीधा ECR हाईवे पकड़ लेती है और ECR हाईवे में ये दो स्टॉप होता है इसका बीच में, उसके बाद ये सीधा महाबलीपुरम रुकती है। लगभग 55 किलोमीटर का ट्रैवल होता है त्रिवानमियूर के बाद, जो ये एक घंटे में तय कर लेती है। तो आपको CMBT से भी आप चढ़ सकते हैं इस बस में, आप गिंडी से भी इस बस को बोर्ड कर सकते हैं, या फिर आप त्रिवानमियूर आके बोर्ड करना चाहे तो त्रिवानमियूर में भी इस बस को बोर्ड कर सकते हैं। त्रिवानमियूर में अगर आप इस गाड़ी को बोर्ड कर सकते हैं तो ये सबसे अच्छा रहता है, क्योंकि जो सिटी लिमिट के अंदर से कोयम्बेड से गिंडी से होते हुए त्रिवानमियूर तक आती है, ये टाइम आपका सेव हो जाता है। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप कोयम्बेड भी ना जाएं, आप त्रिवानमियूर भी ना जाएं, आप बोर्ड कीजिए इस बस को गिंडी से, क्योंकि मैं आपको बता दूं गिंडी में आपका मेट्रो स्टेशन है और एयरपोर्ट से अगर आप आ रहे हैं तो भी आप बहुत इजीली गिंडी तक पहुंच सकते हैं, और अगर आप सेंट्रल से चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन से आना चाहते हैं तो भी आप गिंडी तक बहुत इजीली पहुंच सकते हैं। इसलिए आप गिंडी आ जाइए, गिंडी से इस गाड़ी को बोर्ड कीजिए। और हाँ, कोयम्बेड में भी मेट्रो है, कोयम्बेड में भी आप एयरपोर्ट से हो या सेंट्रल रेलवे स्टेशन से हो, कोयम्बेड भी आ सकते हैं। बट मैं कोयम्बेड में आपको रेकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि कोयम्बेड एक इंटरस्टेट बस टर्मिनस है, बहुत बड़ा एरिया है जिसमें एक तरफ पब्लिक बसेस रुकती हैं, एक तरफ सिटी की बसेस होती हैं, एक तरफ इंटरस्टेट की गवर्नमेंट बसेस होती है, और ऐसे अलग अलग सेक्शंस बने हुए हैं। तो आपको अगर लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, आप एरिया नया है आपके लिए, तो आपको 188 नंबर की बस कहाँ से आपको मिलेगी, कौन से प्लेटफॉर्म में और कहाँ पे वो उसका स्टैंड है, वो ढूंढने में आपको परेशानी हो जाएगी। और दूसरा चीज़ है, अगर आप कोयम्बेड से चढ़ते हैं तो वो धीरे धीरे कोयम्बेड से निकलेगी, वड़ापलनी, अशोक पिलर, गिंडी होते हुए जब तक ये त्रिवानमियूर तक आएगी काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाएगा। इसलिए आप कोयम्बेड में भी मत बोर्ड कीजिए इस गाड़ी को, तो आप गिंडी आ जाइए। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ गिंडी आने के लिए मेट्रो आपको कौन सा लेना है, कैसे लेना है। अगर आप एयरपोर्ट से आते हैं तो एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही आपको एयरपोर्ट मेट्रो स्टेशन है, तो आप एयरपोर्ट मेट्रो स्टेशन पे जाइए और वहां से आपको ब्लू लाइन पकड़नी है। चेन्नई में टोटल दो ही लाइनें चलती हैं, एक ब्लू लाइन और एक ग्रीन लाइन, ये दो ही लाइन है। तो आपको ब्लू लाइन पकड़नी है और आपको विम्को नगर डिपो की ट्रेन लेनी है। ब्लू लाइन का जो लास्ट स्टॉप होता है वो एयरपोर्ट टू विम्को नगर ही होता है, तो आपको विम्को नगर की जो मेट्रो दिखेगी वो मेट्रो आपको लेना है। विम्को नगर का मेट्रो जैसे आप बोर्ड करते हैं, आपका तीसरा या चौथा स्टेशन आपका जो है गिंडी रहता है, तो आप गिंडी इजीली गिंडी मेट्रो स्टेशन उतर सकते हैं। तो ये तो हो गया एयरपोर्ट से आने के लिए, ब्लू लाइन आपको लेना है और विम्को नगर डिपो तक का मेट्रो लेना है। सिमिलरली अगर आप सेंट्रल से आते हैं तो सेंट्रल से भी आपको यही ब्लू लाइन पकड़नी है और आपको एयरपोर्ट का जो गाड़ी है वो लेना है। देखिए, सेंट्रल से आपको ग्रीन लाइन में भी एयरपोर्ट मिलेगी, ब्लू लाइन में भी एयरपोर्ट मिलेगी, आपको ब्लू लाइन लेना है तो आप डायरेक्ट गिंडी आ सकते हैं। इसके लिए लगभग 10-12 स्टेशन होते हैं, 10 स्टेशन के आसपास है शायद से गिंडी आने के लिए सेंट्रल से। मेट्रो में आपका एयरपोर्ट से गिंडी तक आने का या फिर सेंट्रल से गिंडी तक आने का कॉस्ट होता है 30 रुपीज़।
एयरपोर्ट से गिंडी का भी कॉस्ट है 30 रुपीज़ और सेंट्रल से गिंडी का भी कॉस्ट है 30 रुपीज़। तो आप 30 रुपीज़ देकर गिंडी तक आ सकते हैं, गिंडी मेट्रो तक आ सकते हैं। अब गिंडी मेट्रो स्टेशन जब आप पहुंच चुके हैं तो गिंडी मेट्रो स्टेशन से बाहर निकल के आपको ये 188 नंबर की जो बस स्टॉप है यहाँ तक आपको कैसे जाना है ये मैं आपको बताता हूँ। आप गिंडी मेट्रो स्टेशन में एक ही एग्जिट गेट है तो वहीं से आप बाहर निकलेंगे। तो जैसे ही आप एग्जिट गेट से बाहर निकलते हैं थोड़ा आगे चल के आपको राइट टर्न लेना है और जो मेन रोड है उसके नीचे एक सबवे है, उस सबवे से उस रोड को क्रॉस करना है। तो आप जैसे उस रोड को क्रॉस करेंगे, क्रॉस करके थोड़ा सा आगे की तरफ जाना है तो वहीं पे आपको ये बस स्टॉप मिल जाएगा। फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं आपको ये एग्जैक्ट बस स्टॉप का लोकेशन आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। तो ये लोकेशन का लिंक आप जो है अपने मोबाइल फ़ोन में नेविगेट करके भी वॉक करके जा सकते हैं। हार्डली 50 मीटर्स का डिस्टेंस है, आपको किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट गिंडी के मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलिए, थोड़ा सा आगे जाके राइट टर्न लीजिए, आपको मेन रोड दिख जाएगा। मेन रोड के नीचे से सबवे आपको दिखेगा, उस सबवे से जैसे ही आप बाहर निकलते हैं, बाहर निकल के थोड़ा सा इस पॉइंट को नेविगेट करके वॉक कीजिए तो आपको ये बस स्टॉप आ जाएगा। इसी बस स्टॉप पे पौंडीचेरी की जो बसेस होती है 188 नंबर की ये रुकती है और यही बस आपको महाबलीपुरम लेके जाएगी। अभी जो TNSTC की बसेस है ये 4 कैटेगरी की होती है। पहला कैटेगरी है डीलक्स बस, ये सबसे कॉस्ट इफेक्टिव बस होता है, इसमें सबसे प्राइस कम रहता है और यही 80% बसेस यही चलती हैं। तो आपको जो है इस तरह की अगर बसेस दिखती हैं वहाँ पे तो ये है डीलक्स कैटेगरी की बस। और अगर आपका बस कुछ इस तरह का रहता है, ये ग्रीन कलर के रहते हैं, तो इसे नेक्स्ट कैटेगरी जिसको अल्ट्रा डीलक्स 2x2 पुशबैक कहा जाता है, तो इस तरह की बसेस अगर आपको दिखती है तो ये आपका थोड़ा सा कॉस्टली रहता है पहले कैटेगरी से, तो इसमें भी आप जा सकते हैं। नेक्स्ट आपका इस तरह का व्हाइट कलर की बसेस दिखेंगी, तो ये ACTC की बसेस बोलते हैं इसको, इसको साउथ एक्सप्रेस ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन बोला जाता है। तो ये भी तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट की बसेस है, जो इसको 2x2 एयरबस कहा जाता है, अल्ट्रा डीलक्स एयरबस कहा जाता है। ये अल्ट्रा डीलक्स एयरबस और अल्ट्रा डीलक्स 2x2 पुशबैक कैटेगरी की जो बस होती है ये लगभग सेम होती है। और नेक्स्ट आपका आ जाता है AC बसेस कुछ इस तरह की दिखती है डार्क ब्लू कलर में। तो अगर ये बसेस आपको मिलती है तो ये AC बस है, इसमें आपका और थोड़ा 10-20 रुपये और ज़्यादा लगता है इसमें, दैट्स इट। सो ये 4 कैटेगरी की आपको बसेस मिलेंगी। अगर आपको जो भी बस मिलता है आप उसमें चढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब एक ही तरीके की स्पीड में जाएंगी, सबके स्टॉपिंग्स एक ही रहेंगे, खाली जो बैठने का कंफर्ट है थोड़ा अलग अलग रहेगा, दैट्स इट। पुशबैक में आपका जो 2x2 में दो सीटें होती हैं और जो डीलक्स बस जो पहली कैटेगरी बस होते हैं इसमें एक तरफ 2 सीट्स होती है, एक तरफ 3 सीट्स होती है, तो टोटल एक रो में 5 सीट होते हैं। तो इसके लिए थोड़े से सीट छोटे होते हैं, बट 1 आवर का जर्नी है, इसमें आपको कुछ पता नहीं चलेगा, तो आप जो बस मिलता है उसमें आप बैठ सकते हैं। महाबलीपुरम तक जाने के लिए डीलक्स कैटेगरी में आपको अप्रॉक्सीमेटली 50 रुपीज़ का कॉस्ट लगेगा। अगर आप अल्ट्रा डीलक्स में जाते हैं और जो अल्ट्रा डीलक्स एयरबस में जाते हैं तो आपको 10-15 रुपये ज़्यादा 65-70 रुपीज़ तक लग सकता है। और आपको अगर AC बस मिल जाता है तो आपको ये 20-30 रुपये ज़्यादा लग सकता है, अप्रॉक्सीमेटली 90-95 रुपीज़ में आपको ये पहुँचा देगी। तो 50 रुपीज़, 70 रुपीज़ या 90 रुपीज़ इस रेंज में आपको मिलेगी। आप पर्टिकुलरली कोई एक स्टैंडर्ड बस की वेट मत कीजिए, जो बस आ रहा है उसमें चढ़ के जा सकते हैं, सारे बस कंफर्टेबल होते हैं, सारे बस बहुत अच्छे से आपको पहुंचा देंगे। तो जब आप गिंडी से इस बस को बोर्ड कर लेते हैं उसके बाद 2 या 3 किलोमीटर के सफ़र के बाद ये आ जाती है त्रिवानमियूर बस स्टैंड पे। यहाँ ये 5 से 7 मिनट तक रुकेंगी, थोड़ा अगर पैसेंजर लेना है तो ये लेते हैं, वहाँ से 5 मिनट का हॉल्ट रहता है यहाँ पे। फिर यहाँ से जो ये गाड़ी निकलती है फिर आपको ब्यूटीफुल ECR रोड का व्यू देते हुए और ये आपको लगभग शार्प अप्रॉक्सीमेटली एक घंटे में आपको जो है ये महाबलीपुरम तक पहुंचा देगी। बीच में 2 ही स्टॉप रहते हैं इसके, एक सोलिंगनल्लूर बाईपास और एक कोवलम, ये 2 स्टॉप में थोड़ा सा 5-10 सेकेंड का अगर हॉल्ट करके कोई पैसेंजर है तो लेती है, अदरवाइज़ कभी कभी ये रुकती भी नहीं है वहाँ पे। तो ये सीधा आपको महाबलीपुरम पहुंचा देगी। और महाबलीपुरम में ये जो बाईपास महाबलीपुरम ECR बस स्टॉप है यहाँ आपको ये उतार देगी, क्योंकि ये पौंडीचेरी की गाड़ी है, ये सिटी के अंदर नहीं घुसती है, ये बाईपास रोड में ही आपको हाईवे पे ही उतार देती है, हाईवे पे जो महाबलीपुरम ECR बस स्टॉप है वहाँ उतार देती है और ये आगे पौंडीचेरी के लिए निकल जाती है। महाबलीपुरम ECR बस स्टॉप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो यहाँ आप उतर जाइए, इसके बाद ये गाड़ी आगे चली जाएगी पौंडीचेरी के लिए। और यहाँ से आपको सिटी के अंदर जो महाबलीपुरम सिटी का बस स्टैंड है वहाँ तक जाने के लिए आपको जो इंटरनल रूट जाता है महाबलीपुरम की तरफ
वहां आप खड़े हो जाइए और वहां पे आपको अंदर की तरफ जाने वाली जो लोकल बसेस आपको मिलेंगी, कोई भी लोकल बस में चढ़ जाइए। ये आपको इस तरह की जो रेड कलर की बसेस होती है, ये चेन्नई की MTC की बसेस होती है, तो ये लोकल बसेस होती है, ये भी एक्चुअली चेन्नई से ही आती है। तो ये आपको मैंने रेकमेंड इसलिए नहीं किया था क्योंकि ये लोकल बसेस होती है, हर जगह ये रुक के आती है, तो ये कम से कम आपको 25 से 30 स्टॉपिंग होते हैं इसके महाबलीपुरम तक आने के लिए, तो इसमें आप मत आइए। हाँ, जब आप उतर जाते हैं महाबलीपुरम ECR बस स्टॉप पे पौंडीचेरी की बस से, उसके बाद अंदर तक जाने के लिए 1.5 किलोमीटर का सफर होता है अंदर जाने का, जो महाबलीपुरम सिटी बस स्टैंड तक आने का, वहाँ तक आने के लिए आप ये सब बसेस ले सकते हैं। तो ये बस आप यहाँ से ले लीजिए, ये काफ़ी सारे आते हैं, 588 नंबर की बस होती है, 515 होती है, और कोई भी बस आ रही हो इस तरफ जो रेड कलर की, जो इस तरह की बसेस दिखती है, आप किसी से पूछ लीजिए। वहाँ जो बस स्टैंड है, लोकल बस स्टैंड है, मैं उसका भी डिस्क्रिप्शन आपको दे दूंगा, उस लोकल बस स्टैंड के पास आप रुकिए और वहाँ से आप जो है हार्डली 10 रुपया लेगा, ये 10 रुपीज़ का टिकट रहता है, आप इसमें चलिए और 1 से 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस रहता है और ये आपको अंदर सिटी बस स्टैंड तक पहुँचा देगा। तो इस तरीके से आप जो है चेन्नई से महाबलीपुरम तक बिल्कुल इजीली और एकदम कन्वीनियंट तरीके से पब्लिक ट्रांसपोर्ट से 90 रुपये में पहुंच सकते हैं। 90 रुपये कैसे, मैं आपको बता दूं, आप मेट्रो से 30 रुपये में गिंडी आते हैं, गिंडी से आपको 50 रुपये लगता है महाबलीपुरम ECR बस स्टॉप तक आने का, और तो ये हो गए 80 रुपये, और यहाँ से आपका एक और 10 रुपये लग सकता है लोकल बस में अंदर सिटी बस स्टैंड तक आने का महाबलीपुरम के। तो इस तरह से 30 + 50 + 10 टोटल 90 रुपीज़, तो आप टोटल 90 रुपीज़ में इस तरीके से चेन्नई से महाबलीपुरम तक आ सकते हैं। हाँ, अगर आपको AC बस मिल जाती है या फिर अल्ट्रा डिलक्स मिलती है तो आपको 10-20 रुपये ज़्यादा लग सकता है, अदरवाइज 90 रुपीज़ में आप पहुँच जाएंगे महाबलीपुरम। अब जब आप महाबलीपुरम पहुँच गए तो यहाँ पर आपको कौन से जगह देखने चाहिए, कहाँ कहाँ आप किस तरीके से घूम सकते हैं, इसका मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, आप प्लीज़ मेरे उस वीडियो को भी देखिए, उसमें आपको पूरा डिटेल्स मिलेगा कि अगर आप वन डे टूर का विजिट करना चाहते हैं तो वन डे में जैसे आप यहाँ पहुँचते हैं उसके बाद बिना कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट लिए, बहुत छोटा सा जगह है यहाँ पे और चीज़ें भी बहुत पास है, तो ये आप किस तरीके से आप देख सकते हैं। बेसिकली यहाँ एक सोर टेम्पल है और एक कृष्णास बटर बॉल है, अर्जुनास पंचरथा और आपका शीशेल म्यूजियम और एक दो और चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें आप बिल्कुल आसानी से 4-5 घंटे अगर आपके पास है तो आप पूरा का पूरा महाबलीपुरम एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो आप सुबह निकलिए और शाम से पहले पहले आप सब कुछ ख़त्म करके आप रिटर्न जा सकते हैं चेन्नई तक, अगर आपका वन डे का विजिट है। और आपका अगर 2 दिन का प्लान लेके आप चलते हैं तो पहला दिन आप यहाँ विजिट मत कीजिए, पहला दिन आप आराम से निकलिए, दोपहर तक यहाँ पहुँचिए और कोई एक ब्यूटीफुल रिसॉर्ट में आप स्टे कीजिए, वहाँ आप बीचेस जो है आप देखिए, उसके बाद नेक्स्ट दिन जो है सुबह सुबह आप निकलिए और ये सारी चीज़ें विजिट करके और यहाँ से फिर दोपहर तक या फिर दोपहर के बाद तक जो है आप रिटर्न कीजिए चेन्नई के लिए। तो इस तरीके से आप वन डे या 2 डे का टूर प्लान कर सकते हैं। तो जो ये टूर प्लान का डिटेल्स है ये मैं आपको एक अलग वीडियो में पूरे डिटेल में समझाऊंगा कि अगर आप 2 दिन का प्लान करते हैं तो अगर पहला दिन आप रिसॉर्ट लेना चाहते हैं तो कौन से रिसॉर्ट्स अच्छे होते हैं, इसके क्या कॉस्ट होते हैं, और दूसरे दिन में अगर आप जो ये साइट सीन देखना चाहते हैं किस ऑर्डर में देखें और कौन सा चीज़ किस तरीके से देखने से आप इजीली सारी चीज़ें कवर कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ों के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, प्लीज़ मेरे आप उस वीडियो को चेक कीजिए। तो आई होप आपको इस वीडियो से क्लियर इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा कि अगर आप महाबलीपुरम ट्रिप का प्लान कर रहे हैं तो चेन्नई से महाबलीपुरम पब्लिक ट्रांसपोर्ट से बिल्कुल आसानी से और एकदम बजट में कैसे पहुंच सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई और सवाल हो या फिर और कोई महाबलीपुरम से रिलेटेड आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके सारे सवालों का जवाब देने का कोशिश करूँगा। और अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। तो मिलते हैं आप सबसे एक बार फिर इसी तरह के एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, एंजॉय कीजिए और जिंदगी के सफर में सफर करते रहिए। जय हिंद।